अजमेर में शुरू हुआ ऑपरेशन खुशी ऑपरेशन का उद्देश्य बच्चों को भीख नहीं शिक्षा दे, एडीआर सचिन ने किया उद्घाटन। चाइल्डलाइन द्वारा अजमेर में एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा है ऑपरेशन खुशी। इस ऑपरेशन में चाइल्डलाइन द्वारा बच्चों को भीख मांगने के लिए रोका जा रहा है और ऐसे जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उन जानकारी निकाली जा रही है और उन्हें चाइल्डलाइन द्वारा शिक्षा और अच्छा जीवन और उज्जवल भविष्य देने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए एडीआर सचिव शेखावत पहुंचे और पोस्टर का विमोचन भी किया। ऑपरेशन खुशी जो एक महीने का ऑपरेशन शुरू किया है अजमेर शहर में, हम लोगों का यही मंसूबा है कि हम बच्चे जो भीख में भीख मांगते हैं जो सड़कों पर हैं, अजमेर वासियों से भी यही गुजारिश है इस प्रोग्राम के द्वारा कि अगर कहीं पर भी आपको बच्चा भीख मांगता हुआ नज़र आता है तो उसे भीख देखकर उस पर दया ना दिखाएं, लेकिन चाइल्डलाइन को ज़रूर फ़ोन करें। 10-9-8 जिनका नंबर है वे आकर उस बच्चे को बचाएंगे और उससे उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या मानते हो उस मेला नज़दीक है दरगाह में खूब आते हैं और स्टेशन पर भी ये अभियान चलाया जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पर भी मेजर स्पॉट है जहाँ बच्चे भीख मांगते हैं वहाँ पर चाइल्ड लाइन पूरी जोर के साथ काम कर रही है और बच्चों को बचाने का काम कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम फादर विशाल है। बच्चों को भिक्षावृत्ति जो कि एक मूल समस्या है हमारे देश की, उसके उन्मूलन के लिए अजमेर में जो ऑपरेशन खुशी का अभियान चला जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है और इसमें इस ऑपरेशन के तहत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस के द्वारा सीडब्ल्यूसी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस प्रशासन सभी के संयुक्त तत्वावधान में जो ये अभियान चल रहा है उस अभियान का ही सकारात्मक परिणाम है कि हमारे चौराहों पर जो हमारे यहाँ से भी सामने नज़र आ रहे हैं एक भी भिक्षा मांगने वाला कोई बच्चा या कोई बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह के अभियानों से सार्थकता बढ़ती है और जो भिक्षावृत्ति के प्रति लोगों का रुझान है किसी भी कारण से वो अत्यधिक कम होता है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है और उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था करने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। धन्यवाद।